पंजाब सरकार तो हुण कोई आस नहीं बची, जे मुख्यमंत्री अपने करीबियों ही करप्शन कर करके पैसा उन्होंने घर ही भरे जाएंगे, तो आम जनता का पैसा लुट खसुट के मंत्रियों मुख्यमंत्रियों तो उन्होंने नज़दीकियों का घर भरूगा। आम आदमी पार्टी हर स्टैप से श्रोमणी अकाली दल कॉपी करती है, जो काम असं अज कर रहे हैं दो दिन बाद सोच के वो करते हैं। दरअसल पंजाब सरकार फार्म हाउस से ही बाहर नहीं निकल पा रही, और आम आदमियों की जो वैक्सीन सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है उसको प्राइवेट अस्पतालों के भरोसे छोड़ दिया था। तो मिसाल मैं तुम्हें दस देना, अमरीका के प्रेजीडेंट की वाइफ जो इंडिया आँदी है तो या तो ताजमहल वेखती है तो या दिल्ली सरकार का सरकारी स्कूल जाके वेखती है। 10 स्कूल पंजाब के रेंडमली जड़े मर्जी आप चाह के विजिट करते हैं, जो तुम लगता है A++ ने तो 10 स्कूल दिल्ली का विजिट कर लो, मैं ओपन चैलेंज करता, जड़ा मर्जी पत्रकार जड़ा मर्जी चैनल 10 स्कूल दिल्ली सरकार ने विजिट कर ले, 10 पंजाब सरकार ने विजिट करा, आपे दुध का दुध पानी का पानी। जो फतेह किट पंजाब सरकार वालों कोविड के दौरान वंडी गई है वो घोटाले ने उजागर किया कि किस तरीके जड़ी किट का पहला ऑर्डर 837.76 रुपए के हिसाब से होया, उस किट न किस तरीके वार टेंडर करके 1338 रुपए का बनाता गया। अज एक होर सामने एक होर भ्रष्टाचार तो पर्दाफाश कर जा रहे हैं, बई एक तो कंपनी जिन्होंने टेंडर दिता गया उसकी किसी थां ते कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, उसका मेडिकल इक्विपमेंट बनाने का कोई ट्रैक नहीं, कंपनी का तुम वेख सकते हो ग्रैंड वे इनकारपोरेटेड मैनुफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ हाई क्वालिटी गारमेंट्स एंड फैब्रिक्स, एक कपड़े बनाने वाली मशीन एक कंपनी जिदा सुनने आ रहा कि कैप्टन साहब के नाल बहुत नज़दीकी है, उस कंपनी नू ए सारी फतेह किट सप्लाई करन दा ठेका वह भी 500 रुपये वधा के ठेका दे दिता गया। तो जो कहावत है अंधा वंडे रेवड़ियां मुरमुर घरदिआं नू देवे वह वार वार इत्थे सार्थक हुंदी है, तो करप्शन तो कांग्रेस का जो नाता है हर दिन होर गूढ़ा हुंदा जा रहा है। असी मंग की है पंजाब का जो लोकायुक्त है उस तो भी कि इस मामले की जांच की जाए तो दोषियों को अंजाम तक पहुँचाया जाए, क्योंकि पंजाब सरकार तो हुण कोई आस नहीं बची, जे मुख्यमंत्री अपने करीबियों ही करप्शन कर करके पैसा उन्होंने घर ही भरे जाएंगे, तो आम जनता का पैसा लुट खसुट के मंत्रियों मुख्यमंत्रियों तो उन्होंने नज़दीकियों का घर भरूगा, तो उहदे जवाब च पंजाब की जनता नूं सोच लेना चाहिए हुण तो ही भी किदां इहदा जवाब देना है। मंग साडी है कि इस मामले की लोकायुक्त सख्ती नाल जाँच करे तो जो भी दोषी ने उन्होंने 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 अंजाम तक पहुँचावे। नीरज सिंगला जिस अफसर ये वास्ते मिशन डायरैक्टर बनाया गया सी इस मामले नू चक्कण तो बाद नीरज सिंगला जी नू ट्रांसफर कर दिता गया। बई एक खासियत है तुसी मान सकते हो कि यह मान लेंदे ने असी चोरी की असी मान लिया, पिछले हफ्ते तुसी वेख्या भी वैक्सीनेशन किस तरीके प्राइवेट अस्पतालों नू सप्लाई दी गई, चीफ सैकटरी साहब ने आप प्रमोशन की भी मैक्स में इस रेट पर जाके लवा लो, फोर्टिस में इस रेट पर जाके वैक्सीन लवा लो, मामला पब्लिक के सामने आने तो बाद डर के फटाफट ऑर्डर कैंसल करते तो प्राइवेट हस्पतालों नू कहता भी वैक्सीन सारी वापस भेज दो। सेम तुसी वेख सकते हो जिस तरीके फतेह किट घोटाला फड़िया गया तो उस तो बाद भी इमीजिएटली उस कंसर्न अफसर का ट्रांसफर कर देना अपने आप जिस चीज़ को साबित करता है कि वार वार हर दिन पंजाब सरकार करप्शन करन दा कोई मौका नहीं छड़ रही, तो पंजाब के लोगों नू हुण समझ जाना चाहिए कि किस तरीके इन्हां नू इहदे करप्शन का जवाब देना है। जे तुहाडे कोई सवाल होण ते तुसी पुछ सकदे हो। मामले को लेकर रविवार को मोहाली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सोमवार को अकाली दल ने भी किया, लेकिन दोनों ही पार्टियों पर FIR कर दी है बाय नेम। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और अकाली दल में सुखबीर बादल उनके भी विधायक हैं, तो आपको क्या लगता है अगर ऐसे कोई स्कैम अगर पार्टी उठा रही है और प्रोटेस्ट उनका राइट है वो कर रहे हैं तो उस पर कोरोना प्रोटोकॉल के नाम पर FIR दर्ज की जाएगी? देखिए अगर कांग्रेस सरकार को ये लगता है कि इन पर्चों से डरकर कांग्रेस के भ्रष्टाचार से पर्दा उठाना आम आदमी छोड़ देगी पार्टी तो ये उनकी गलत फहमी है। पर्चे जितने मर्जी कर लें, कांग्रेस के हर भ्रष्टाचार को पंजाब की जनता के आगे हर तरीके से ज़्यादा उजागर करेंगे और पर्चों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर्चों से कोई डरने नहीं वाला। कई कांग्रेस के भी कार्यक्रम हो रहे हैं, उनके नेता कुछ संगरूर में दिखाई दिए थे, उनके साधु सिंह धर्मसोत मिनिस्टर जी शादी कार्यक्रम बिना मास्क के, तो कोरोना प्रोटोकॉल सिर्फ अपोजिशन पे लगाया जाता है, ये आपको लगता नहीं एक अजीब सी बात? शर्म की बात है, पब्लिक इस चीज़ को समझ चुकी है, पर पब्लिक की मजबूरी है कि पब्लिक को अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का मौका 5 साल बाद मिलता है और वो 5 साल अब कंप्लीट होने वाले। मेरे को लग रहा है कि जो 5 साल के अंदर करप्शन और जो विश्वासघात पंजाब की कांग्रेस सरकार ने किया है
उसका जवाब अगले साल पंजाब के लोग कांग्रेस को जरूर देंगे। जी सर, पंजाब जनवरी फरवरी और मार्च में कर लगते हैं। जी भैया, देखो उन्होंने श्रोमणी अकाली दल अजकल सब नू पता लग गया भी पंजाब च उन्हां दा कोई आधार रह नहीं गया, तो एवें दी बेसलैस गल्लां करके बई पहला आम आदमी पार्टी नू हर स्टैप ते श्रोमणी अकाली दल कॉपी करदी है। जो काम असीं अज कर रहे हां दो दिन बाद सोच के उह करदे ने। इस एपीसोड तो भी तुसीं वेख सकदे हो पहला आम आदमी पार्टी ने वैक्सीनेशन घोटाले ते प्रेस कॉन्फ्रेंस से वड्डे लैवल से वड्डे पद्धर से प्रोटेस्ट किया, उन्होंने वेख के फिर इन्होंने भी चेते आ गए भी असं भी कर लीए, परचे साढ़े तो परचे उन्होंने भी हो गए, तो बेबुनियाद गलों का कोई दर नहीं। सर कल केंद्र सरकार ने जी 18 प्लस वैक्सीन फ्री की है, उस चीज़ का जवाब केंद्र सरकार का हालात मिजाज कुछ कुछ कांग्रेस वर्गे ही ने, तुम वेख सकते कि हर देश के नागरिक को वैक्सीनेशन उपलब्ध करावे, फ्री वैक्सीनेशन देवे। पहला तो सरकार ने किस तरीके पल्ला झाड़ लिया बई सरकार सूबा सरकार अपने अपने पद्धर से आप ही अरेंज कर लैन वैक्सीनेशन, जो दबाव बनिया इंटरनेशनल जो बाहर कंपनियां ने सूबा सरकार वैक्सीनेशन देने तो मना करता, तो हुण कित्थे उन्होंने थोड़ी सोझी आई है जनता के दबाव तो बाद उन्होंने बयान दिता जो कि बहुत पहला दे देना चाहिए सी। तो मैं लगता जो इन हालातों का जो कोई सब तो वड्डा जिम्मेवार है तो वह देश की भाजपा सरकार है, जिन्होंने प्रक्योरमेंट के दौर च जिस टाइम है सब कुछ प्रक्योर कर लेना चाहिए सी, उस टाइम वड्डी वड्डी रैलियां करके ते सुपर स्प्रेडर बने, तो हुण अपनी उन्होंने गलतियां के पर्दा पाने वास्ते सारे काम कर रहे हैं। सर एक जनवरी फरवरी और मार्च का जो डाटा रिलीज किया केंद्र सरकार ने कि पंजाब दे विच वैक्सीन जिन्नी भेजी गई उस तो बहुत घट वैक्सीन यूज की गई है, इहदे च प्रॉब्लम हाँ वेखो डेटा अप टू डेट मंगवा लेना चाहिए जनवरी फरवरी मार्च के अलावा, अगले क्वार्टर भी अब खत्म होने को है, अगले क्वार्टर का भी डेटा मंगवा लेना चाहिए। और पंजाब में जो सरकार है चीफ सेक्रेटरी का ये ट्वीट करके बताना कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके आप वैक्सीनेशन लगवा लें वहाँ वैक्सीन मिल रही है, अपने आप में इस चीज़ का प्रमाण है कि सरकार का सरकारी अस्पतालों में पब्लिक को फ्री वैक्सीनेशन देने का कोई इरादा नहीं है, उसी वजह से वैक्सीन खराब हो रही है। एक तरफ तो दिल्ली सरकार हर दिन प्रेशर बनाती है केंद्र के ऊपर कि हमने 3 लाख वैक्सीन हर दिन लगाने का अरेंजमेंट कर लिया है, 500 से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर खोल दिए हैं, और अब तो नई मुहिम चला दी भी जहां आपने वोट डाला था वहीं जाके आप वैक्सीन भी लगवाएं। तो जब दिल्ली सरकार फ्री में अपने नागरिकों को वैक्सीन दे सकती है तो पंजाब सरकार को क्या परेशानी है। दरअसल पंजाब सरकार फार्म हाउस से ही बाहर नहीं निकल पा रही और आम आदमियों की जो वैक्सीन आज सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है उसको प्राइवेट अस्पतालों के भरोसे छोड़ दिया था। खैर हमारी तरफ से मुद्दा उठाने के बाद वो वैक्सीनेशन वापस मंगा ली गई है, पर हमारी सरकार से अभी भी यही दरखास्त है कि जल्दी से जल्दी पंजाब के नागरिकों के हित में सरकारी सेंटर्स पर मुफ्त वैक्सीन लगाने का प्रबंध किया जाए। सर पिछले दिनों के विच पंजाब के केंद्र सरकार द्वारा एजुकेशन को लेकर आंकड़ा पेश किया गया जिस दे विच पंजाब पहले नंबर पर है, ए प्लस प्लस ग्रेड पंजाब को मिली है, जबकि दिल्ली 6वें नंबर पर आया और हमेशा जी दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल की गल जरूर की जाए। मैं समझ नहीं आता जी की पैरामीटर है इस नवी जो तुम स्टडी कही है, एक मिसाल मैं तुहानू दस देना, अमरीका दे प्रेजीडेंट दी वाइफ जे इंडिया आउंदी है तो या तो वह ताजमहल वेखती है तो या दिल्ली सरकार दा सरकारी स्कूल जाके वेखती है। अज प्रतख नू किसे प्रमाण की लोड़ नहीं, मैं तो कहना सारे कैमरे चको 10 स्कूल पंजाब दे रैंडमली जड़े मर्जी आपां चक के विजिट करते हैं जे तुहानू लगदा ए प्लस प्लस ने, तो 10 स्कूल दिल्ली दा विजिट कर लो, मैं ओपन चैलेंज करदा कि बहुत दूर दिल्ली दे स्कूल निकल चुके ने अज एजुकेशन दे मामले च। तो जे मैं आंकड़े कुछ देना चाहां तो दिल्ली सरकार इहो जी सरकार है जो लगातार तीसरी बार एजुकेशन विच सब तो वध 25% नालों वध जो देश की नैशनल एवरेज तो लगभग 5 गुणे है उन्ना बजट रखती है, जबकि पंजाब का एवरेज बजट जो नैशनल एवरेज है वो नालों घट है। तो जिन्हें सरकारी स्कूलों में डेवलपमेंट पिछले 5 साल की सरकार के दौरान हुए हैं अज पूरी दुनिया उस चीज़ को मानती है, कितने दुनिया में एजुकेशन तो रिलेटेड कोई सैमीनार होता तो उत्ते दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर को सद्या जाता है। तो मेरे वालों ओपन चैलेंज है जी 10 स्कूल पंजाब दे वेखो ते 10 स्कूल दिल्ली दे वेखो, जनता आप डिसाइड करे। लग रहा है कि कहा जा रहा है कि 70 मापदंड ते ये नतीजा कट गया जी, उन्होंने वाले क्वेश्चन जुड़े मेरा क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्री विजय दर सिंगला ने गल कही है कि दिल्ली वाले फिर दावे कर रहे हैं कि असली शिक्षा के मियार में बहुत गिर चुके हैं, लेकिन 70 मापदंड असली क्लियर करके पंजाब पूरी इथे गलत मसले च हाथ पा लिया पंजाब सरकार ते पंजाब दे सिक्ख्या मंत्री ने। जे किसी शराब माफिया के मामले
हाथ पाते तो लगता जित जाता है भाई पंजाब ज्यादा है पर एजुकेशन के मामले हाथ आया तो मैं चैलेंज करके गल कहना कि आने वाले दिन च सारे मापदंडा उत्ते असं ओपन एक थोड़े न गलबात करा तो सारे आंकड़े की हकीकत पेश करा फिर कह रहे गलत जगह थां हाथ पा रहे एजुकेशन वाले मसले से हकीकत सब नूं पता दिल्ली के लोगों ने एजुकेशन मॉडल वेख के आम आदमी पार्टी तीसरी बार सरकार बना के साबित करता भी असीं दिल्ली सरकार के काम तो खुश हाँ ते पंजाब दे लोग भी दस देंगे अगले साल मैं फिर कह रहा कि मैनू नहीं लगता इस जो रिसर्च है जो स्टडी की है दा हकीकत नाल कोई आस पास भी लेना देना है आपां सारे मापदंडां दी हकीकत तुहाडे सामने प्रोपर इस इशू उत्ते पीसी करके तुहाडे सामने रखांगे उच्चे चारे दी करांगे सियासी रिपोर्ट है कोई इहदे च शक शुबा नहीं है कि मैं तो फिर चैलेंज कर रहा जड़ा मर्जी पत्रकार जड़ा मर्जी चैनल दस स्कूल साढ़े नाल दिल्ली सरकार दे विजिट कर ले दस पंजाब सरकार दे विजिट करा दे आपे दुध दा दुध ते पानी दा पानी वेखो तुसी आस किस तो कर सकते हो सरकार दे मंत्रियों तो सरकार दे मुख मंत्री तो आस कर सकते हो जो कोई एमएलए गड़बड़ करता है विरोधी धिर होने के नाते आप हर उस बण के मुद्दे पर विरोध भी कर रहे हैं प्रदर्शन भी कर रहे हैं तो अज का जरा मैं तुम्हें मसला दसिया आप लोगों युक्त भी कंप्लेट की है पर असल फैसला तो जनता ही कर सकती है भी कोर्ट कचहरी भी नवे मसले है अज की तुम अखबार पढ़ लो कांग्रेस ए मैं अज की एक होर तुम खबर दस दिना पंजाब कांग्रेस नेता के घर पर ही बन रही थी शराब मैंने लगता शराब माफिया अच्छा बननी बंद हो गई है तो पंजाब कांग्रेस के नेतावान ने अपने घर से शराब की फैक्ट्रियां ला लिया ने पुलिस की टीम छापा मारन गई तो वो भी हमला हो गया हुण पुलिस भी लाचार हो गई सरकार के अगे कुछ कर नहीं पा रही तो जो ए बदहाली पंजाब की की पंजाब की कांग्रेस सरकार ने उस तो बाद हो नहीं सकता तो टाइम आने पंजाब के लोग ही इन्हों सबक सिखा पंजाब के लोग ही इन्हों जवाब देन ता ही इन्हों अंजाम मिल सकता हर दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं हर दिन हमने तुहाडे सामने पूछे हर दिन मुकदमे साढ़े तो दर्ज हो रहे हैं तो ओपोजिशन होने नाते तो अं यही कर सकते हैं तो इस तो भी वड्डी मंदभागी गल ये है कि पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली जाके रिपोर्ट दे के आ रहे हैं कि मेरे 40 के आस पास मंत्री तो विधायक कोई रेत माफिया कोई बजरी माफिया कोई शराब माफिया ना सब विच रले हुए हैं तो मैं इन्हें की कार्रवाई आप नहीं कर सकते उत्थों पुछ के आ रहे हैं दिल्ली तो दसो की कार्रवाई करनी है तो कांग्रेस की पंजाब सरकार सिर्फ अपनी कुर्सियां की खिचोतान विच पंजाब नूं इस कगार ते लैके खड़ा कर दिता है कि अज हर मसले ते सरकार ते फेल हुई है पर उहदा अंजाम पंजाब दे लोकां नूं भुगतना पै रिहा देखो भावे डी जी पी पंजाब होण या फिर चीफ सैकटरी पंजाब होण है पूरी तरह सरकार दे हुकमां दी पालना कर रहे हैं तो सरकार दी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं जे तुसी अज दा मामला लै लो जिहड़ी कंपनी दा मैं जिक्र कर रहा यह भी सुनने आ रहे इन्हां दे किसी गरीबी की कंपनी जिन्हों सीधे सीधे तौर पर सरेआम फायदा पहुँचाया जा रहा जे तुसी शराब फैक्टरी की गल कर लो बई कांग्रेस नेता अपने घर ही शराबा की फैक्टरी ला रहे हैं जिहड़ा मसला तुसी कह रहे हो जदों बिल्ली नूं दुध दा राखी करन दा काम देता गया तो हुण तुसी शिकायत किहनूं करनी है मैं फिर कहना पंजाब दे लोग सारी चीज़ां नूं ध्यान रखण बेअदबी तो लैके तो जिन्ने माफिया पंजाब सरकार के हाथ में फल फुल रहे हैं कि आप सारी चीज़ों को ध्यान रखन अगले साल तक तो अगले साल मौका आने पर अपनी वोट का इस्तेमाल कर देखो दो साल पहला अकाली दल ने कढ़ते ते साढ़े चार साल कांग्रेस सरकार नू हो गए बेअदबी दे लोगों बड़ी उम्मीद सी जो कैप्टन साहब गुटका साहब दी सौं खादियां सी भी यार एक सच्चा सिख लगता जिहड़ा गुटका साहब की सौं खा रहा भी हो सकता इंसाफ दवा दे पर
जो पिछले साढ़े चार साल तो चाहे रणजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट आई, जे कार्रवाई करनी होंगी रणजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट च मनतार बराड़ का भी जिक्र आ गया, सारे का आ गया, उसे कार्रवाई कर देंगे। पर हुण देखो इनू मसले नू लटकाउण दी ही कोशिश हो रही है कि इनू जिन्ना लंबा खिंचया जाए। ये तो कोई दो राय नहीं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ते बादल परिवार का जिहड़े उन्हां दे चहेते है, कैप्टन उन्हां सारयां नू जिहड़ा प्रोटैक्ट करके जिहड़े कोई होर रहिंद खूंद है उन्हां दे केवल जिहड़ा सिर जिहड़ा सारा ये मड़ना चाहुंदे आ। T5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो।